सो हे गाइस, दिस इज करण तिवारी, वेलकम्स यू टू केटी क्रिएटर्स। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स के लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। उनकी फिटनेस एंड इनका डांस बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन रह चुका है। ईयर 2019 में ऋतिक रोशन का नाम वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन के लिस्ट में भी शामिल किया गया था। 20 साल से ऊपर के भी एक्टिंग करियर में ऋतिक रोशन ने बहुत सारी हिट मूवीज दी है, जैसे की अग्निपथ, सुपर 30 एंड काबिल। वे भले ही आज एक्टिंग से काफी दूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी मूवीज दी हैं। और आज भी जब वो बड़े पर्दे पे आते हैं तो इनकी मूवी सुपर हिट ही साबित होती है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारा पैसा भी कमाया है। आज ऋतिक रोशन अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीते हैं। आज ऋतिक रोशन के पास जिंदगी गुजारने के लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ईयर 2020 के हिसाब से बात करें तो ऋतिक रोशन की नेटवर्थ है 2700 करोड़। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि इतनी कमाई करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी कैसे गुजारता होगा। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ऋतिक रोशन अपनी 2700 करोड़ की नेटवर्थ कैसे खर्च करते हैं। चलिए इस शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मुंबई में ही घर लेना पसंद करते हैं, और कई बॉलीवुड स्टार्स के मुंबई में करोड़ों रुपए के आलीशान घर हैं। उन्हीं में से एक ऋतिक रोशन भी है। ऋतिक रोशन अपनी फैमिली के साथ जुहू मुंबई में रहते हैं और इन्होंने अपने इस बंगलो का नाम रखा है पारस। ऋतिक रोशन का घर 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इस बंगलो को ऋतिक रोशन ने 100 करोड़ रुपीज देकर खरीदा था। और बात करें ऋतिक रोशन के घर के बारे में, तो इन्होंने अपने घर का इंटीरियर इंडिया के सबसे बड़े इंटीरियर डिजाइनर संदीप से डिजाइन करवाया था। और वहीं ऋतिक रोशन ने अपने घर का स्ट्रक्चर इंडिया के जाने माने आर्किटेक्ट आशीष से डिजाइन करवाया था। इनके घर से सी व्यू का नजारा इनके घर को और भी अच्छा बना देता है। ऋतिक रोशन के घर में 10 बेडरूम्स, किचन, बाथरूम, एंटरटेनमेंट हॉल, स्विमिंग पूल और एक गार्डन एरिया है, जहां से सी व्यू का नजारा बिल्कुल साफ दिखता है। इन्होंने अपने घर के लिविंग एरिया में अपनी फैमिली फोटोज लगाई हैं। ऋतिक रोशन ने अपने बच्चों के रूम में वर्ल्ड मैप लगवाया है, जिससे कि ऋतिक रोशन के बच्चों को पढ़ाई में मदद होती रहती है। ऋतिक रोशन को नेचर एंड ग्रीनरी बहुत पसंद है, इसीलिए इनके घर के हर एक कोने में ग्रीनरी जरूर होती है, जो इनको नेचर से करीब होने का पूरा एहसास दिलाती है। चलिए दोस्तों, आपको सीधा लेके चलते हैं मुंबई से लंदन, जहां पर इनका एक और घर मौजूद है। ऋतिक रोशन के पास इंडिया में ही नहीं, लंदन में भी एक आलीशान घर मौजूद है। ऋतिक रोशन ने लंदन के सबसे महंगे एरिया में एक बंगलो लिया है। इस घर में आपको 3 बेडरूम, सिनेमा हॉल, लिविंग एरिया, किचन, बाथरूम और स्विमिंग पूल मौजूद है। गाइस, आपको एक खास बात बता दे कि ऋतिक रोशन का लंदन में जो घर है, वहाँ पर बस बिलियनियर्स ही घर ले पाते हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड के किंग खान का भी घर इसी एरिया में है। और अगर बात करें ऋतिक रोशन की लंदन के घर के प्राइस के बारे में, तो इन्होंने इस घर को 200 करोड़ रुपीज देकर खरीदा था। घर के बाद अगर वॉचेस की बात की जाए तो ऋतिक रोशन के पास एक अच्छी खासी वॉच कलेक्शन भी है। और जब वॉचेस की बात आती है तो ऋतिक रोशन बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज में से एक है जिनके पास एक से एक महंगे वॉचेस हैं। ऋतिक रोशन के पास एक वॉच है जिसका नेम है रोलेक्स सबमरीनर डेट, और इस वॉच की कॉस्ट है 7.5 लाख रुपीज। इस वॉच की खास बात ये है कि इस वॉच में गोल्ड का यूज किया गया है। इस वॉच के अलावा इनके पास एक और वॉच है जिसका नेम है फ्रैंक मुलर टरेल, और इस वॉच की खासियत है कि इस वॉच में आपको डायमंड्स लगे हुए मिल जाएंगे। चलिए आपको एक और खास बात बता देते हैं कि यही वॉच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास भी है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट हैं। ये पूरी वॉच व्हाइट गोल्ड एंड डायमंड से बनाई गई है, और ऋतिक रोशन ने इस वॉच को 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स देकर खरीदा था। और वहीं इंडियन रुपीस में बात करें तो इस वॉच की कॉस्ट है 10 करोड़ रुपीज। इसके अलावा इनके पास रोलेक्स की एक और वॉच है, और ये वॉच भी रोलेक्स की सबसे महंगी घड़ियों में गिनी जाती है, और इस वॉच की कॉस्ट है 35 लाख रुपीज। चलिए सीधा वॉच कलेक्शन के बाहर निकाल कर आपको लेकर चलते हैं ऋतिक रोशन के कार पार्किंग एरिया में, जहां पर पार्क है इनकी लग्जरी कार्स।
ऋतिक रोशन के पास एक रोल्स रॉयस घोस्ट है जिसकी कॉस्ट है 6 करोड़ रुपीस। ऋतिक रोशन के पास एक मिनी कूपर एसपी है जिसकी कॉस्ट है 60 लाख रुपीस। ऋतिक रोशन के पास मर्सिडीज ब्रांड की मर्सिडीज मेबैच भी है जिसकी कॉस्ट है 2 करोड़ रुपीस। ऋतिक रोशन के पास एक लिमोजीन भी है जिसकी कॉस्ट है 2 करोड़ रुपीस। ऋतिक रोशन की अगली कार है एस्टन मार्टिन जिसकी कॉस्ट है 4 करोड़ रुपीस। ऋतिक रोशन के पास एक BMW 730 LD भी है जिसकी कॉस्ट है 2 करोड़ रुपीस। दोस्तों ये तो बात हो गई ऋतिक रोशन अपने नेटवर्थ को कैसे खर्च करते हैं, और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ऋतिक रोशन को इतने पैसे कहां से मिलते हैं ये सब अफोर्ड करने के लिए? तो उसका जवाब है इनके पिता राकेश रोशन की प्रोडक्शन कंपनी। ये 1977 में राकेश रोशन ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी और इस प्रोडक्शन कंपनी का उन्होंने फिल्म क्राफ्ट नाम रखा था। इस प्रोडक्शन कंपनी ने बहुत सारी हिट मूवीज प्रोड्यूस की जिसके नेम हैं आपके दीवाने, काम चोर, जाग उठा इंसान और भगवान दादा और बहुत सारी मूवीज। कुछ समय बाद ऋतिक रोशन ने अपने पिता से इस प्रोडक्शन हाउस को खरीद लिया। ऋतिक रोशन ने अपने फादर से इस प्रोडक्शन हाउस को मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीदा था और इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर ऋतिक रोशन ने बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस की जिसके नेम है क्रिश, कोई मिल गया, वॉर। और ऋतिक रोशन की ये प्रोडक्शन कंपनी हर साल 800 से 900 करोड़ रुपए कमा लेती है। ऋतिक रोशन को प्रॉपर्टीज, वॉचेस, कार एंड एंटरटेनमेंट के अलावा जेट में भी काफी इंटरेस्ट है। ऋतिक रोशन के पास एक गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट है जिसको इन्होंने 200 करोड़ में खरीदा था। अगर बात करें इस जेट के इंटीरियर के बारे में, तो आपको इस जेट के इंटीरियर में बेडरूम, बाथरूम एंड एक मीटिंग हॉल भी मिल जाएगा। दोस्तों ऋतिक रोशन ने अपने वैनिटी वैन पर भी कुछ कम खर्चा नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि ऋतिक रोशन की ये वैनिटी वैन बॉलीवुड की सबसे महंगी वैनिटी वैन की लिस्ट में शामिल की जाती है। ऋतिक रोशन की इस वैनिटी वैन में आपको इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर्स, टीवी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ये वैनिटी वैन एक रॉयल लुक भी देती है और इस वैनिटी वैन को ऋतिक रोशन ने 4 करोड़ रुपीस की कीमत में खरीदा था। और एंड में बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन के क्लोथिंग ब्रांड के बारे में, जिसका नाम तो आप सभी जानते होंगे, HRX। ऋतिक रोशन ने अपने ब्रांड के ऊपर भी कम खर्चा नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक रोशन ने अपने इस ब्रांड के ऊपर 800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि ऋतिक रोशन अपने 2700 करोड़ के नेटवर्थ कैसे उड़ाते हैं। एंड गाइस कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि अगर आपको इतनी नेटवर्थ मिल जाए तो आप क्या खरीदेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज karan_tiwari24।